वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डूइंग वर्ड्स, ठीक है। और हमारी बुक का नाम देखिए, लिटरेरी जर्नीज एन इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। चलिए इस चैप्टर को, डूइंग वर्ड्स को हम शुरू करते हैं। डूइंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जब कोई कुछ काम कर रहा होता है ना, जब कोई कुछ कर रहा होता है और उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, डूइंग वर्ड। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यू आर स्टडिंग, तो जो आपका स्टडी है वो एक डूइंग वर्ड है। इस तरीके से अब एग्जांपल्स बुक के देखेंगे हम। अ डॉग बार्क्स, मतलब जो डॉग है वो बार्क कर रहा है, वो भौंक रहा है, राइट। तो बार्क्स क्या है, बार्क्स एक डूइंग वर्ड है। माई मदर कुक्स, अ टीचर टीचेस, अ बर्ड फ्लाइज, तो फ्लाइज क्या है, डूइंग वर्ड। अ चाइल्ड वीप्स, वीप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, रोना होता है। अ बॉय स्विम्स, द सन शाइन्स, द अर्थ रोटेट्स, अ स्टूडेंट स्टडीज, अ मंकी क्लाइम्स, अ बेबी क्रॉल्स, अ गर्ल क्लैप्स, ठीक है, बात समझ आती है। अब हमारे पास है नेम्स ऑफ फ्रूट्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के नेम्स को फाइंड आउट करना है और इनको क्रॉसवर्ड से ढूंढना है। सबसे पहले तो हमें दिख ही रहा है, ये रहा पाइनएप्पल, तो हम पाइनएप्पल को ढूंढ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है बनाना, तो हम बनाना को भी ढूंढ चुके हैं, जो हमें मिल गया उस पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा फ्रूट हमें दिख रहा है, ग्रेप्स दिख गया ये रहा, तो हम ग्रेप्स को भी सर्कल कर देंगे और क्रॉस आउट कर देंगे, क्योंकि ग्रेप्स हमने ढूंढ लिया। नेक्स्ट हमें मिल गया एक और नया, गुआवा, राइट, तो गुआवा को भी कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या है, क्या आप बता सकते हैं, यस, ऑरेंज, ये रहा ना ऑरेंज, तो हम ऑरेंज को इस तरीके से सर्कल कर देंगे और क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब क्या ढूंढना है हमें, अब हमें ढूंढना है मैंगो, तो क्या आपको कहीं मैंगो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये रहा मैंगो, मैंगो को करेंगे क्रॉस आउट। नेक्स्ट हमें ढूंढना है एप्पल, सो कैन यू ऑल फाइंड एप्पल, बिल्कुल यस हम ढूंढ सकते हैं, ये रहा एप्पल, देखिए ए पी पी एल ई एप्पल, ये मैंने डिफरेंट कलर से कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बात समझ आई, इसे भी कर देंगे क्रॉस। आगे हमारे पास है एक और जो बचा हुआ है, पियर, तो पियर क्या आप ढूंढ सकते हैं, देखिए पियर कहाँ पे है, ये रहा पियर, पियर भी हमने ढूंढ दिया, ठीक है, बात समझ आती है सबको, किस तरीके से हमने ये सारे कर दिए हैं ईजिली, राइट। आपको सारे इनके नाम, फ्रूट्स नेम लर्न होने चाहिए, ठीक है। Everyone, is it clear? Let's write the names. हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, Pineapple. Second हमने पढ़ा Mango. और कौन सा पढ़ा था हमने, Apple. फिर हमने पढ़ा था Guava. और कौन सा पढ़ा था, Grapes पढ़ा था ना, और बताइए कौन कौन से पढ़े हैं हमने, Pear पढ़ा है, और ऑरेंज पढ़ा है, ऑरेंज भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, और बनाना भी हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से ये सारे जो फ्रूट्स नेम है ये आपको याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पाइनएप्पल, मैंगो, एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, पियर, ऑरेंज, बनाना, क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर, वेरी गुड। That's it for this video. Thanks for watching. We'll meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.